हेलो डिजाइनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। फिर से काफ़ी लंबे समय के बाद मैं यूट्यूब पे आया हूँ आप सभी के लिए कुछ नया सा एक डिज़ाइन लेके, जिसका आप एक सप्ताह पहले मैंने थंबनेल पे अनाउंसमेंट कर चुका था कि आप सभी को मैं एक बैनर का डिज़ाइन देने वाला हूँ। एक नहीं मतलब 4-6 बैनर का डिज़ाइन है जिसमें आप अपने दुकान पर लगा सकते हैं, कुछ अपग्रेड कर सकते हैं अपने दुकान पर। जिस तरह से अपने कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर के द्वारा इंस्टॉल करके अपग्रेड करते हैं, उसी तरह अपने दुकान पर ये सभी बैनर इंस्टॉल करके अपने दुकान को अपग्रेड कर सकते हैं, नया लुक दे सकते हैं 2023 को लेकर, ठीक है। और अभी तो शादी का सीजन चल रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त शादियाँ हो रही है दोस्तों। क्या है ना कि अभी जो मैं बीच में गायब था ना, बस इन्हीं की वजह से था, क्योंकि हमारे दुकान में काफ़ी भीड़ लगी हुई थी शादियों को लेकर। शादी का सीजन थोड़ा स्लो हो गया और दिसंबर 24 के बाद में 14 जनवरी तक, तो फिर खरमासे उस बीच में मैं आप सभी को बहुत सारे शादी का मटेरियल देने वाला हूँ। जैसे बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़ा, उसमें से किसी को चाहिए वेडिंग कार्ड का मल्टी कलर डिज़ाइन, किसी को पीडीएफ कार्ड चाहिए, किसी को वीडियो कार्ड चाहिए। वीडियो कार्ड तो मैं बना रहा हूँ बट अभी मैं उनका फाइल शेयर नहीं कर सकता, बाकी मेरे पास जितने सारे फाइल है ना, मुझे शेयर करने में बहुत खुशी होगी। और आप सभी लोगों के लिए मैं ये चैनल बनाया हूँ ताकि आप सब उसे शेयर कर सकूँ। बाकी आप लोग तो हमसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे हम मानते हैं, बट क्या है कि सबको हर किसी के लिए नहीं दे पाता है, ठीक है। हम चाहते हैं कि हर किसी को फाइल मिले, हर कोई काम कर सके, तो वीडियो पर बने रहिए। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा इस बार, और इस बार का वीडियो का जो पासवर्ड होगा सिर्फ 4 अंक का पासवर्ड होगा, बहुत इजली होगा। वीडियो को देखिएगा बिना स्किप किए हुए, एक ही बार में बताऊंगा चारों पासवर्ड, मुझे 4 अंक का जो पासवर्ड है उनको एक बार में वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। आराम से वीडियो को देखिएगा, कुछ नॉलेज मिल जाएगा, कुछ आपके पास ऑलरेडी नॉलेज होगा, ठीक है। और जो नहीं जानते उनके लिए तो काफ़ी हद तक उनको नॉलेज मिलने वाला, ठीक है। वीडियो को आराम से देखिए बिना स्किप किए, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं हम लोग आ गए अपने स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो फोल्डर है, ये जो फाइल है फ्लेक्स प्रिंटिंग का 112 MB का फाइल है, इसमें आप सभी का फाइल है। इसके अंदर भी कुछ कुछ फाइल है जो आपको ज़रूरत के हिसाब से दिया गया है, जैसे हर एक प्रिंटिंग प्रेस में जिसका ज़रूरत होता है, ठीक है। जैसे कि आपको बिल बुक का ज़रूरत होता है, वेडिंग मटेरियल का जो फॉर्म होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट दिया गया, और बैनर का डिजाइन, ठीक है। तो चलिए हम लोग फाइल को ओपन कर लेते हैं। फाइल कुछ इस तरह से आपके पास में खुल के आएगा, ठीक है। फाइल का जो साइज़ ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, 112 MB का फाइल है, और फ्रंट फर्स्ट पेज में ये है, सेकेंड पेज में आपका हिंदी से फॉर्म है जिसमें मैरिज का कंप्लीट डिटेल्स कस्टमर से ले सकते हैं, ठीक है। और तीसरा पेज पे है आपका इंग्लिश में बना हुआ, ठीक है। और चौथा पेज में बिल बुक का डिज़ाइन है जो आप अपने कस्टमर को बुकिंग के टाइम दे सकते हैं, जैसे आपका विजिटिंग कार्ड हो या फिर फ्लैक्स बैनर, बिल बुक या फिर वेडिंग कार्ड हो, उन सभी का रसीद इस पर काट सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं सबसे पहले बैनर पे, और बैनर को कैसे बनाते हैं, बैनर क्रिएट करने का क्या प्रोसेस है। जब भी कोई सा भी बैनर हम लोग बनाते हैं तो उनके लिए एक साइज़ का होना ज़रूरी है, किस साइज़ में बनाना है तो वो मेज़रमेंट करना ज़रूरी है, ठीक है। तो बैनर कभी भी बनाइए तो आप लोग इंची में ही बनाया कीजिए, ताकि आपका फाइल का जो साइज होता है थोड़ा कम होता है, ठीक है। और रेजोल्यूशन जब कन्वर्ट करते हैं उस टाइम ओरिजिनल साइज दिया जाता है, ठीक है, एक्सपोर्ट करने के टाइम पे, ठीक है। तो हम लोग कोई सा भी एक बैनर कॉपी करते हैं और उनको पेस्ट कर लेते हैं ताकि काम करने में इजी हो और फाइल भी सेव रहे, ठीक है। ध्यान पे हमेशा यही रखिएगा कि एक फाइल को कॉपी कर ले और बाकी जो मैं फाइल देता हूँ उनको एक जगह पे रहने दे, ताकि आपको काम करने में इजी हो, इन फ्यूचर में फिर से वो काम आएगा, ठीक है। तो हम लोग चले आते हैं इधर, ये नया बैनर के लिए, ठीक है। ये बना हुआ था, ये साइज़ कौन सा है, तो 10x6 का मेरे पास अभी बना हुआ है। आपको कौन सा चाहिए, 8x4 चाहिए, 10x2 चाहिए, या कुछ भी आपका जो मेजरमेंट होगा दुकान के ऊपर का साइज़ का, या फिर काफ़ी बड़ा होगा तो फिर उस पर यूज कर सकते हैं, अपने हिसाब से करना है, ठीक है। तो साइज कैसे हम लोग रिसाइज करते हैं, पेज के बाहर क्लिक करके आपको इंची में साइज देना है, इंची MM यहाँ पे ऑप्शन देता है, ठीक है। आपका स्क्रीन पर देख रहे होंगे जो डायलॉग बॉक्स मैंने खोला है मेजरमेंट का, इंची मिलीमीटर वगैरह वगैरह सेंटीमीटर या फिर कुछ भी होता है, बट आपको याद रखना है कि आपको इंची में लेना, तभी आपका फाइल हल्का होगा, ठीक है, तो ज़्यादा हैवी नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये फाइल का हम लोग साइज कर लेते हैं एक्चुअल पे। देखिए जब भी हम लोग साइज करते हैं तो हम लोग ध्यान पे नहीं रखते कि हम लोग को साइज किस तरह से करना है, हम लोग को 4x6 करना है तो हम लोग क्या करते हैं ना, डायरेक्ट 4x6 करते हैं, ताकि उससे क्या असर होता है कि फाइल का जो साइज होता है पूरा का पूरा ख़राब हो जाता है, जिसको हम लोग फिर से रीएडिट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो करना क्या है, मेजरमेंट कर लिए, एक बॉक्स लेना है इस टाइप का 4x6 का,
ये खड़ा टाइप का मतलब स्टैंड टाइप का बना हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप का बनाने के लिए क्या करना है कि हमको इससे उठा के अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से जितना जितना साइज का जो चाहिए, जिसको बड़ा करना है उस हिसाब से रख सकते हैं, और उस पर जैसे बना हुआ है उस हिसाब से मीटर को सेट कर सकते हो ऊपर नीचे करके, ठीक है। इसी टाइप से काम करना है हम लोगों को। और ठीक है, तो इस टाइप से जब आपका बोर्ड बनकर तैयार हो जाएगा, आप नंबर और डिटेल सारा डाल दीजिएगा तो कुछ अच्छा सा लुक मिलेगा। और इसके लिए मैंने इन सभी फाइल को इसलिए दिया है ताकि आप इन सभी मटेरियल ले सकते हैं और यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपके अपने हिसाब से जैसे आपको जो भी डिज़ाइन चाहिए, कार्ड का मटेरियल का डिज़ाइन चाहिए, या फिर एक दुल्हन दुल्हन का फ़ोटो डालना हो, या फिर आप टी शर्ट प्रिंटिंग करते हो या मग प्रिंट करते हो, उन सभी के रिलेटेड आपको डिज़ाइन यहाँ पे दिया गया है। आप अपने हिसाब से रिसाइज करके काम कर सकते हैं, इस पर भी आप काम कर सकते हैं। अगर इनका साइज इंक्रीज करना हो, आपको काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो पूरा को अनग्रुप करना है, पूरा सभी फाइल को अनग्रुप करके आप अपने हिसाब से एक फाइल का साइज ले ले। जैसे आपको लेना हो तो 10x3 ऑलरेडी बना हुआ था, ठीक है। 15x3 साइज थोड़ा सा इसमें अलग लग रहा है, ठीक है। फिर भी हम लोग को इस पर एडजस्ट करना है, तो कैसे एडजस्ट करना है, सेम डिज़ाइन को ही चाहिए, सेम डिज़ाइन को हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ पे, सबको थोड़ा थोड़ा छोटा कर देना है ऐसे पकड़ के, ठीक है। इसी तरह से हम येल्लो वाला पट्टी लेते हैं या फिर अपने से क्रिएट कर सकते हैं, येल्लो का जो बैकग्राउंड है उनको लेके कंट्रोल करके उसे कर करके उनका अलाइनमेंट थोड़ा सा वो जो शैडो दिख रहा है थोड़ा सा उनके हिसाब से शेड कर लेते हैं, थोड़ा क्लोज ला के येल्लो उसको पेज डाउन से ब्रेक करते हैं। उनके बाद जो विवाह कार्ड है या फिर कुछ भी आपको लिखना है तो बस उसी तरह से कॉपी पेस्ट करना है, या फिर अपने हिसाब से जो भी अकॉर्डिंग आपको लिखना है, या फॉन्ट चेंज करना है फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। और JPG करने के बाद में क्या करना है कि इनको हम लोग कर देते हैं ब्लर, ब्लर में गॉसियन ब्लर, ठीक है। इसको ब्लर करने के बाद में थोड़ा और लाइट, थोड़ा और ब्लर करना है। उनके बाद जस्ट उनके नीचे पे ले आना उसको, या तो माउस से लेके आए या कीबोर्ड का बटन से लेके आए, ठीक है, जिससे आपको आसानी उससे लेके आइए। और जिस पे जिसको हाईलाइट करना है उस पर आउटलाइन दे दीजिए और कुछ इस तरह से आपका फाइल आपके सामने आ जाएगा। आउटलाइन अगर काफ़ी पतला है तो उनको और भी थिकनेस दे सकते हैं, थिक कर सकते हैं, ठीक है। और इस पर और एक क्या है कि जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक प्रिंटिंग प्रेस लिखा हुआ है दो कलर से, ऊपर में लगभग नीचे मेजेंटा और मेजेंटा का डार्क, ऊपर में क्या है तो मेहरून कलर है, ठीक है। तो उनको डुअल कलर करने है, या फिर ऑलरेडी मैंने पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि दो कलर करने के लिए ग्रेडियंस टूल का यूज करते हैं, जैसे फोटोशॉप में होता है, ठीक है। ग्रेडियंस टूल आपका इधर भी मिल जाता है, ठीक है, टूल्स में, और दूसरा कि शॉर्टकट बटन कंप्यूटर पर जी का बटन से, ठीक है, जिसको ग्रेडियंस करना है उसको सेलेक्ट करके जी का बटन प्रेस करें, उनके बाद माउस का राइट साइड लेफ्ट साइड का बटन को प्रेस करके थोड़ा सा नीचे के बाद में वो दो कलर का ऑप्शन दे देता है, ठीक है। ऊपर में रेड जो रेड पैलेट से फिल किया हुआ था और दूसरा कि नीचे में वाइट आया, एक्चुअली में नीचे में कोई सिलेक्टेड कलर नहीं था, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं वाइट बॉक्स को क्लिक करते हैं, उनके बाद उस पर एक कोई सा भी कलर देते हैं, या तो ग्रीन या फिर ब्लू या फिर डार्क ब्लू, और आउटलाइन को हम लोग वाइट रखे थे ना, तो ये वाइट रहेगा, ठीक है।
तब आपका जाके जो डिज़ाइन है थोड़ा काफ़ी अच्छा लगेगा और हमको लगता है कि काफ़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रिंट अपना बैनर को सजाना है और काम करना है। अब ये एक एक पट्टी यहाँ पे जैसे 5 टाइप का शेप दिया हुआ था जिस पर आप लोग हाईलाइट कर रहे थे कि हम ये वर्क करते हैं, हमारे यहाँ ये काम किया जाता है। ठीक है, जिसे डील सीन कहते हैं। ठीक है, तो उनको हम ले आते हैं कोई एक को, या फिर अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं। एक शेप लेना है, उसको कंट्रोल क्यू से कर्व करना है, कर्व करके ठीक उसी तरह एक कॉर्नर को थोड़ा अंदर की ओर ढकेलना है। ठीक है, उसके बाद हम इस पर कलर फिल कर देते हैं, रेड कलर फिल करने के बाद अपने हिसाब से देखना है कि इसका भी थिकनेस कितना, मोटा रखे पतला लिखे, कितना पे वर्ड लिखा जाए। ठीक है, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने के बाद में इनको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, 3-4 जो जितना भी आपका वर्क है। ऐसा नहीं कि 10-15 वर्क डाल दें यहाँ पे, उतना अच्छा नहीं होता है। जो मेन वर्क होता है, जैसे दुबा का ग्रीटिंग कार्ड का, या फिर वो पेस्टिंग कार्ड, डिजिटल कार्ड, या फिर आप फ्लेक्स बैनर का, ये सब हाइलाइटेड होता है। ये सब काम को ही देख के सब काम आते हैं, तो पूछते हैं कि भैया आप ये करते हो, वो करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि कम वर्ड लिखें, काफ़ी बड़ा बड़ा लिखें, ताकि दूर से आदमी देख के आपके दुकान पे विजिट कर सके। ठीक है, ठीक उसी तरह हम लोग इसको सेट कर लेते हैं। इसके ऊपर भी हम लोग लिख देते हैं ऊपर में दुकान का, ज़्यादा ही फास्ट हो गया, विवाह कार्ड। ठीक है, और नेक्स्ट वाला पे लिख देते हैं विजिटिंग कार्ड। उसी तरह आप बिल बुक या फिर कुछ भी डाल सकते हो। उसके अलावा क्या है कि ये जो बैकग्राउंड पे आपको ब्लैक टेक्सचर दिख रहा है, या तो फिर आप इंटरनेट से उठा ले, या फिर डायरेक्ट आप ब्लैक कलर यहाँ पे फिल कर सकते हो। ठीक है, फिल करने के बाद क्या है कि अगर कभी बाई चांस आपका कोई मटेरियल नीचे ढक जाता है, तो आप कंट्रोल पेज डाउन करके आप बैकग्राउंड को नीचे ले जा सकते हैं। ठीक है, कीबोर्ड में जो पेज आप पेज डाउन का यूज़ होता है कोरल ड्रॉ पे, इसी के लिए दिया गया है कि कंट्रोल दबा के पेज डाउन कीजिएगा, तो पेज डाउन होगा, पेज अप करना है तो पेज अप होगा। लेकिन क्या जिनको सेलेक्ट कीजिएगा बस वही होगा। ठीक है, और किसी को सेलेक्ट नहीं कीजिएगा तो आपका जो पेज होता है ना कोरल ड्रॉ पे, बस वो डाउन होता है। ठीक है, उसी तरह से आपको यहाँ पर सेटिंग करना है। ठीक है, जैसे वेडिंग का सीज़न चलता है, तो वेडिंग का सीज़न में क्या है कि आपको एक फॉर्म का ज़रूरत होता है, तो इसलिए मैंने एक फॉर्म भी मैंने दिया इस फाइल पे, और इंग्लिश में भी दिया, ताकि किसी को इंग्लिश लिखना हो तो इंग्लिश में वो फॉर्म फिलअप करे, और हिंदी में जिसको ज़रूरत हो वो निकाले, बाकी कोई इशू नहीं है। ठीक है, और दूसरा बिल बुक का ज़रूरत हर दुकान पर ज़रूरत होता है, आपके प्रिंटिंग प्रेस पर भी ज़रूरत होते हैं, तो इन सभी डिज़ाइन को आप नॉर्मली यूज कर सकते हैं। कैश मोमो है, इस पर आप GST नंबर भी डाल सकते हैं, अभी तो GST का मामला चला ही हुआ है, हर दुकानदार को चाहिए GST। और यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस मैंने छोड़ा है, यहाँ पे स्पेस ही आपका दुकान का नाम और एड्रेस और डिटेल डालने के लिए छोड़ा हुआ है। ठीक है, आप अपने हिसाब से वहाँ पे कुछ भी नाम, जो भी आपका प्रिंटिंग प्रेस हो, आप अपने हिसाब से जो भी फ़ोन का आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप सजा के एक लोगो डाल के और डिटेल्स फिलअप करके ये कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। उम्मीद है मैं आप लोगों को वेडिंग कार्ड का मल्टी कलर डिज़ाइन दूंगा, और उसी बीच में आपको फ्लेक्स का और भी बहुत सारा स्टॉक दूंगा। अभी तो बस थोड़ी फुर्सत मिली, तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ बैनर दे दूँ जो आप लोगों को दुकान पे लगाने के लायक हो।